मतलब क्या होता है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, उल्टा होता है ना। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब ये हो गया कि डिफरेंशिएशन का ये उल्टा प्रोसेस है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज जैसे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, यानी cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। यानी अगर डिफरेंशिएशन यहां पे तो इंटीग्रेशन आ जाए, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज, फिर डिफरेंशिएशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते थे, डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या बोलते थे, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, है ना। डिफरेंशिएशन निकालने की बात होती थी तो हम लोग कहते थे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते तो हो जाता था डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, जब इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो ये रिवर्स प्रोसेस होगा डिफरेंशिएशन का। मतलब यहां पे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन था, है ना, यहां पे एक वर्ड आ गया था कौन सा, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज नोन एज डिफरेंशिएशन। तो यहां पे क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव, क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। और जो एंटी डेरिवेटिव एक वर्ड है इसको हम लोग इंटीग्रल्स के नाम से बोलते हैं। बात समझ में आई, इंटीग्रल्स मतलब जो एंटी डेरिवेटिव वर्ड है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल्स। तो आपका जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, इंटीग्रल्स, यही है ना, जिसका मतलब इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी डेरिवेटिव का जस्ट अपोजिट निकालते हैं, रिवर्स प्रोसेस निकालते हैं, और जो एंटी डेरिवेटिव होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल्स बोलते हैं, समझ गए। अब एग्जांपल की बात करें, जैसे देखो अब डिफरेंशिएशन में कैसे करते थे, इंटीग्रेशन में कैसे करते थे, बहुत बड़ी बात होने वाली है। देखो अब क्या हो रहा है, जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लिया d / dx ऑफ x स्क्वायर, तो इसका कितना आता था, 2x आता था, इतना बात सही है ना। d / dx ऑफ x स्क्वायर कितना आता था, 2x आता था। तो अब हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे किसको, 2x स्क्वायर को, जो डिफरेंशिएशन आया उसी को तो इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। तो 2x का जब इंटीग्रेट करोगे तो देखो a इंटीग्रेशन का एक साइन होता है, ठीक है, और dx का मतलब हो गया विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में 2x को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो आंसर कितना आना चाहिए, x स्क्वायर ही तो आना चाहिए, तभी तो कहोगे कि x स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन 2x आया है तो 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर आएगा, जस्ट आएगा, सही बात है कि नहीं। जैसे मान लो x स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन किया तो कितना मिला, 2x, तो क्या 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो x स्क्वायर नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन है ना। तो इंटीग्रेशन में मतलब ये चीज मिलना चाहिए। अब देखो अब समस्या क्या आने लगी, बहुत कॉमन चीज है, मतलब कोई नहीं बताएगा। देखो समस्या क्या आने लगी, अब तुम कहोगे देखो जादू होने वाला, d / dx ऑफ x स्क्वायर + 10 अगर लिखा हो तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x, इसका भी 2x आएगा, बात समझ रहे हो कि नहीं, इसका भी 2x आएगा। तो अब कहोगे कि 2x का यहां पे, इसका मतलब 2x का इंटीग्रेशन कितना आना चाहिए, x स्क्वायर + 10 आना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं, यस सर। देखो जब x स्क्वायर + 10 का डिफरेंशिएशन 2x है तो क्या 2x का डिफरेंशिएशन ये नहीं आना चाहिए, आना चाहिए ना, यस सर। बट यहां पे कह रहे हो कि 2x का डिफरेंशिएशन ये कह रहे हो x स्क्वायर के तरफ, और दूसरे वाले कंडीशन में कह रहे हो कि 2x का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर + 10 आएगा, दो बातें कैसे हो सकती हैं, दोनों एक ही हो सकता है ना भाई। यहाँ पे अगर 2x का इंटीग्रेशन अगर x स्क्वायर है और यहाँ पे 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर + 10 है, तो कैसे हो सकता है, एक ही चीज का दो आंसर कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 2x + 2x लिखा हुआ है ना, इसके आगे एक कांस्टेंट बहुत जरूरी है लगाना, हां कांस्टेंट लगाना बहुत जरूरी है इंटीग्रेशन में, मोस्ट इंपोर्टेंट, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर इसको नहीं लगाओगे तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। अब देखो अब कुछ भी हो, जैसे x स्क्वायर + c हो, अब चाहे c का मतलब कांस्टेंट है, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 30 हो, विदाउट x हो, a हो, b हो, c हो, a b, कुछ भी हो, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो ही तो होगा, तो डिफरेंशिएशन करने पे जीरो ही होगा और इसका क्या आएगा, 2x, तो इंटीग्रेशन करने पे x स्क्वायर + c आना ही चाहिए, समझ गए। मतलब यहां से एक चीज हमको समझाई, इस एग्जांपल से हमें क्या समझाया कि 2x का इंटीग्रेशन यहां पे x स्क्वायर मिल रहा था, यहां पे 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर + 10 मिल रहा था, मतलब एक ही चीज का इंटीग्रेट करने पे दो आंसर मिल रहा था, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट था। तो उसका मतलब क्या समझ में आया कि एक कांस्टेंट लगाना बहुत जरूरी है, मतलब हां यहां तो कांस्टेंट लगा ही ऐसी, c का मतलब 10 है ना यहां पे, यानी कि कभी भी हम किसी भी चीज को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो उसके साथ कांस्टेंट जरूर आएगा, समझाने का मतलब यही है ना, समझ गए।
इंटीग्रेट करने के बाद हमेशा क्या करेंगे, कांस्टेंट जरूर लगाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, बात समझ आई है कांस्टेंट क्यों लगा रहे हैं, पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो अब इसका देखो लिख देते हैं पूरा पूरा बॉक्स बना के, इतनी बात समझ आ गई ना। देखो इफ d / dx ऑफ अगर fx है, अगर fx कोई फंक्शन है इसका d / dx ये तो क्या आ गया fx आया। ठीक है, तो देन अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करने पे a आया, यहां पे देखो ये कैपिटल x स्मॉल है, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेट करोगे यानी कैपिटल x वाले का जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या आना चाहिए fx आना चाहिए कि नहीं, स्मॉल वाला और प्लस उसके साथ क्या लगाओगे c जरूर लगाओ। ठीक है, इतना नोट करो, ऐड अ कांस्टेंट c आफ्टर इंटीग्रेट, इंटीग्रेट जैसे ही करेंगे किसी चीज को तो हमेशा क्या करेंगे c ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे जो a साइन है इसको हम a इंटीग्रेट का साइन है, इंटीग्रेट का साइन है, जिसको इंटीग्रेट किया जा रहा है उसको बोलते हैं इंटीग्रेट। ठीक है, और ये वेरिएबल है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, और ये होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो गई जनरल बात, मतलब इंटीग्रेशन। अब चलेगा फार्मूले का पहाड़, बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूला। अब इसमें देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे और उस तरफ इंटीग्रेशन लिखेंगे ताकि दोनों चीजें एक साथ याद हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन लिखेंगे और उसी को उल्टा कर देंगे, इधर क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लिया सपोज करें कि d / dx है ना ऑफ x कितना आता है, 1 आता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आएगा, x आएगा, और हमेशा क्या लिखना है c जरूर लिखना है, समझ आ रहा है। देखो x का डिफरेंशिएशन 1 आता है तो पता है ना, तो उसी तरह से हम का इंटीग्रेशन x आएगा प्लस c जरूर लिखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज d / dx ऑफ x की पावर n का नाम याद है क्या आता है, n - 1 n x की पावर में n - 1। ठीक है, तो ये n - 1 का हमें फार्मूला पढ़ना ही नहीं है, हमें किसका पढ़ना है, x पावर n का इंटीग्रेशन का पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, अगर n + 1 यहां पे करें तो यहां पे क्या आएगा, देखो n + 1 x पावर में n आएगा ना फिर। तो अब देखो हम क्या करने वाले हैं कि इसको हम उठा के यहां पे रखते हैं, यानी d / dx ऑफ x पावर में n + 1 अपॉन में अगर n + 1 कर दे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, तो इधर क्या मिलेगा फिर, x पावर n मिलेगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई लिखा तो यहां कहां आ गया, डिवाइड में आ गया, बात समझ आ रही है। अगर तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर तो यही आएगा। ठीक है, करके देख लो, अगर इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, और इसे n + 1 से n + 1 ऊपर नीचे कट जाएगा तो x पावर n बचा। ठीक है, यानी इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है, x पावर n, x पावर n का इंटीग्रेशन ये समझ गए कि नहीं, यानी कि x पावर n का जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, x पावर में n + 1 अपॉन में n + 1 + c। समझ में आया, वहां पे डिफरेंशिएशन में पढ़े थे x पावर n का डिफरेंशिएशन कितना आता था, n x पावर में n - 1, तो यहां पे इंटीग्रेशन में क्या होगा, x पावर में n + 1 यहां पे पड़ता है अपॉन n + 1। क्लियर, चलो अब दूसरी तीसरी चीज समझ आ रहा है, साथ में लिख दी, चलो d / dx ऑफ log x का कितना पड़े हो, 1 / x, तो यहां पे क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इक्वल टू log x + c। समझ रहे हो, फार्मूला नंबर 4 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, सॉरी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x कितना होता है, e की पावर x ही होता है, तो ये ऐसा प्राणी है कि इसको चाहे डिफरेंशिएट करो चाहे इंटीग्रेट करो सिर्फ अपनी ही हालत में रहता है, इसीलिए जब टीचर किसी को डांट करे तो उनको मतलब ऐसे हो, चाहे तुमको पढ़ा लो चाहे तुमको ना पढ़ो, तुम्हारा नंबर तो है जीरो ही आने वाला है, उससे ज्यादा नहीं आने वाला, मतलब तुम चेंज होने ही वाले नहीं हो, वही चीज इसमें भी है कि अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो भी उतना ही आता है, इंटीग्रेशन कर दो तो भी उतना ही आता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो d / dx ऑफ
a की पावर x का नाम सुने हो ना, ये क्या होता है a की पावर x log a बेस e होता है ना डिफरेंशिएशन। तो क्या हम अगर इसको डिवाइड में लिख सकते हैं कि नहीं, इसको वैसे लिख सकते हैं a की पावर x log a बेस e का जो डिफरेंशिएशन होगा, ये जब डिवाइड किया जाए तो इधर क्या बचा a की पावर x, तो हम कह सकते हैं कि a की पावर x का इंटीग्रेशन ये वाला होगा। तो ये हो गया फार्मूला नंबर 5 a की पावर x dx इक्वल टू a की पावर x log a बेस e प्लस c। समझ में आ रहा है ना, ये सब फार्मूले हैं, फार्मूले तो याद रखने ही पड़ेंगे, डिफरेंशिएशन अगर याद किया हो तो इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा, फार्मूले तो याद ही रखने पड़ेंगे, अगर कोई याद नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x पढ़े हो ना, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, cos x तो कह सकते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x होगा प्लस c प्लस c प्लस c, तो भूलना ही नहीं। ठीक है, सातवां नंबर d upon dx of cos x का कितना होता है minus sin x, तो ये minus दिक्कत कर रहा है, इस minus को क्या इधर नहीं ले सकते, ले सकते हैं, ले सकते हैं minus cos x का differentiation कितना होगा plus का sin x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि minus बाहर होगा cos का minus sin होगा, minus minus plus होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो sin x का हाँ जो sin x का integration होगा वो क्या होगा minus cos x होगा। आप समझ में आई sin x का क्या होगा माइनस कॉस एक्स होगा। हाँ, आठवां डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स सॉरी टेन एक्स अरे टेन एक्स करोगे ना तो टेन एक्स कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स। देखो ये याद है तो इधर बन गया, कहीं भी अगर हमको सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करने को बोलेगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इंटीग्रेशन करने को बोलेगा तो क्या लिखेंगे टेन एक्स। समझ रहे हो ना, नाइन देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन के बाद आता है कॉट एक्स होता क्या है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इस माइनस को हम इधर लेते आते हैं तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, प्लस में हो जाएगा ना फिर तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। हाँ माइनस कॉट एक्स प्लस सी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब उसके बाद टेन डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन कॉस टेन कॉट सेक, तो sec x का कितना होता है sec x into tan x, तो इंटीग्रेशन इसका कितना हो जाएगा यानी sec x into tan x अगर कहीं पे दिख गया और उसका इंटीग्रेशन बोल दिया तो बोल देंगे कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा sec x plus c। ठीक है ना, अब 11 d upon dx of cosec x का होता है minus cosec x into cot x। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे d upon dx of माइनस को इधर उठा लो तो माइनस कोसेक एक्स इक्वल टू कितना बन जाएगा तब इधर प्लस का हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन वाले फार्मूले में कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इनटू कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। समझ में आ रहा है, हाँ कभी भी कोसेक इनटू कॉट का पूछेगा तो कहोगे माइनस कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी जो फार्मूले वहां पर पढ़ो बस उसको उल्टा कर रहे हैं, बाकी कुछ कर ही नहीं रहे इसमें। यहां पे मैंने sin cos देखो यहां पे किसका इसका इंटीग्रेशन बताया cos का sin का और बाकी कोई नहीं बताया है ना, तो अभी tan cot sec cosec का भी मैं प्रूफ करूंगा उसका कुछ और आता है, अभी देखो यहां पे बस केवल sin cos का ही बताया है, बाकी जो बचे हैं इसको प्रूफ किया जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं ना, डिफरेंशिएशन को नहीं पढ़ रहे, डिफरेंशिएशन में तो सबका पता है, डिफरेंशिएशन तो सबका हो जाता है, इंटीग्रेशन सबका नहीं हो पाता है। ठीक है, ये ध्यान देना d upon dx of 1 upon under root sorry sin inverse x का ना sin inverse x का कितना होता है 1 upon under root 1 minus x square। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon under root 1 minus x square equal to sin inverse x plus c। ठीक है, यहाँ पे dx जरूर लगाएंगे, यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्या? हाँ, 13 में अगर देखें तो d upon dx of cos inverse x कितना होता है minus 1 upon under root 1 minus x square है ना, तो यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस माइनस हाँ तो ये आ जाएगा 1 upon under root x square equal to minus cos inverse x भी लिख सकते हैं, बट इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
वो हम लोग बाद में उस समय एडजस्ट कर लेंगे। साइन इनवर्स का देखो, हाँ इसको मत देखो क्योंकि बाद में सही होगा। या तो ऐसे लिख सकते हो इसको मिटा दिए, अगर देखो अगर मान लो अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ चलो लिख लो माइनस वन अपॉन ये था ना वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस वाले का अगर रहेगा तो सीधे इसको क्या लिख सकते हो कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि इस पूरे का इंटीग्रेशन यही तो होगा। ठीक है, अगर मान लो प्लस होता तो साइन इनवर्स एक्स होता, वो तो हम लोग चेंज कर लेते हैं क्योंकि cos inverse x plus sin inverse x equal to pi by 2 होता है, तो हम चेंज कर ही सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो जो इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट ये रहा d upon dx of tan inverse x, tan inverse x मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लिखना है क्योंकि इसके आधार पे एक फॉर्मूले भी मैं बताऊंगा, इसके आधार पे दो फॉर्मूले मैं बताऊंगा और यही दोनों को याद करवाएंगे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हां tan inverse x का होता है 1 upon 1 plus x square, यहां पे क्या हो जाएगा 1 upon 1 plus x square dx equal to tan inverse x plus c। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो माइनस का बनता है cot inverse x का, कोई मतलब नहीं लिखने का। उसके बाद लिखते हैं क्वेश्चन 15 d upon dx of sec inverse x, है ना, क्या हो जाएगा 1 upon x mod में ही लेते हैं क्योंकि प्लस वाले को लेते हैं हमेशा। ठीक है, x square minus 1 कुछ ऐसा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 का फॉर्मूला 1 upon mod x under root x square minus 1 dx equal to sec inverse x plus c। तो ये फॉर्मूले हो गए। ठीक है, इतने फॉर्मूले एकदम दिमाग में रखने हैं, कहीं मिस्टेक नहीं। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हैं क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले दो फॉर्मूले को हेल्प कराएंगे याद करने। सर सर ये sec में sec inverse x में mod के लिए कि वैल्यू प्लस नहीं लेते। ठीक है, अगर माइनस ले लोगे तो किसमें चला जाएगा, प्लस लोगे तो sec inverse x, माइनस ले लोगे तो cosec inverse x, क्योंकि cosec में होता है minus 1 upon x under root x square minus 1, तो सीधे mod ले लिया है, बाकी चीजें समझ लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है, होता क्या था कि d upon dx d upon dx of f ax plus b कुछ ऐसा फंक्शन होता था, है ना। तो हम क्या करते थे जब इसको डिफरेंशिएट करते थे, तो अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते थे, है ना, तो a फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब कुछ ऐसा बनता था f डैश मिलता था ना ax plus b, भाई इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो f डैश आएगा, इसका डिफरेंशिएट हो गया f डैश x हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ f डैश x हो गया बट x1 में x है क्या, नहीं है, तो इसे फिर से मल्टीप्लाई भी लिख करके क्या लिखते थे d upon dx of ax plus b लिखते थे, है ना। अब इंटीग्रेशन में जस्ट इसका उल्टा करेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f ax plus b है ना, तो क्या करेंगे ऊपर इसको इंटीग्रेट तो करेंगे, ऊपर इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, ax plus b को क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, बट एक्चुअल में x नहीं है ना, x नहीं है तो इसको क्या करेंगे डिवाइड में d upon dx of ax plus b करेंगे, dx हाँ समझ में आया कि नहीं, और प्लस में क्या लिखेंगे c, इसके बाद है मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे क्या होता था इन डिफरेंशिएशन, है ना, मल्टीप्लिकेशन समझ गए कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं ना, देख लो मतलब अदर देन x अगर फंक्शन मिल जाता था इसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसको मल्टीप्लाई में फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, इन डिफरेंशिएशन इफ वी फाउंड अदर देन x फंक्शन देन वी डिफरेंशिएट इट एंड उसको डिफरेंशिएट करते थे एंड उसको राइट इन द मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन में लिखते थे। ठीक है, इन इंटीग्रेशन ये बहुत कमाल की चीज है, इन इंटीग्रेशन इफ वी फाउंड अदर देन x फंक्शन मतलब x के अलावा अगर कहीं दूसरा कोई फंक्शन आ गया देन वी डिफरेंशिएट इट एंड राइट इन द डिवीजन, समझ गए, देखो क्या लिखा मैंने ध्यान से समझो इसको, इन डिफरेंशिएशन ये रहा सामने वी फाउंड अदर देन x फंक्शन, यहां पे जो फंक्शन है केवल fx नहीं है अदर देन x है, यानी ax plus b है ना अदर देन x है, तो
हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखो इसको डिफरेंशिएट कर दिया है ना, राइट इन द मल्टीप्लिकेशन। देखो इसको डिफरेंशिएट किया और राइट इन द मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में इसको लिख दिया, समझ गए कि नहीं। अब यहां पे इंटीग्रेशन में क्या होगा कि ये फंक्शन अदर देन x मिला है, f(ax) b है ना, तो इसका तो इंटीग्रेशन करेंगे ही करेंगे जो भी है, ठीक है। प्लस में अगर ये अदर देन x है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट ही एंड राइट इन द डिवीजन। देखो डिवाइड में कर दिया, बस यहां पे यही फर्क है दोनों में, ठीक है। मतलब ये तो हो गया शॉर्टकट के लिए, मतलब ये तुम्हें तुम्हारे काम का आने वाला है। एग्जांपल के लिए अगर हम लोग ले लें जैसे d/dx ऑफ e की पावर में 5x है ना, तो इसका आंसर कितना आता है, e की पावर में 5x d/dx ऑफ अदर देन x है, तो 5x का किससे करते हैं मल्टीप्लाई में, करते कि नहीं, तो e की पावर 5x अपॉन मल्टीप्लाई कितना गया 5, तो आंसर हो गया e की पावर में 5x। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, e की पावर में 5x ये अपॉन में 5 आ जाएगा इक्वल टू कितना बचा e की पावर 5x। अगर हम लोग अब इसका उल्टा देखो लिखें, अभी समझ में आ जाएगा, e की पावर में 5x का इंटीग्रेशन यही ना, तो ये कितना आएगा, यही तो आएगा e की पावर में 5x अपॉन में 5, वही चीज आया। अब इसी को हम लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं कि इसका इंटीग्रेट तो किए ही किए, प्लस में क्या किए, जो अदर देन x था उसको डिवीजन में डिफरेंशिएट करके लिखे, ये वाला पूरा पार्ट नीचे आ गया वहां पे इंटीग्रेशन में। तो जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है उसको मैंने यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दी, ये चीज समझ आई कि नहीं। देखो क्या किया, e की पावर 5x का डिफरेंशिएशन ये आएगा कि नहीं, इस फाइव को नीचे लिख सकते हो कि नहीं, तो अब हम कह सकते हैं कि d/dx ऑफ e की पावर में 5x / 5 = e की पावर 5x लिख सकते हैं। अब क्या e की पावर 5x का इंटीग्रेशन ये आएगा कि नहीं, ये बताओ, तो ये चीज तो किया कि देखो इंटीग्रेशन जब कर रहे थे तो डिवाइड में आ गया 5 और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में था 5 है ना, वही चीज मैंने लिखा हुआ है, एकदम क्लियर हो गया बेटा।